नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक और मैं शंभु कुमार सिंह। कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है ईवीएम के खिलाफ। देशव्यापी प्रोटेस्ट कॉल है और उसमें आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, मैं उसको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि किन लोगों ने यह कॉल किया है, जिसको संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने इसका समर्थन किया है। भानु प्रताप सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ईवीएम के विरोध देशव्यापी आंदोलन, दिनांक 13 जून 2019 समय 10 बजे, स्थान जंतर मंतर, न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का नाम है। भानु प्रताप सिंह इसके जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता भी हैं और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कल जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट कॉल किया है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में जिस तरह से ईवीएम को लेकर लगातार बातें हो रही है, बहस हो रही है, अभी एक 8 जून को कैंडल मार्च किया गया था, कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। अगर आपको भी लगता है कि आप ईवीएम से सहमत नहीं तो इस प्रोटेस्ट कॉल में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार ईवीएम के खिलाफ जो है वो देश भर में नाराजगी लोगों की बढ़ रही है और लोग जो है वो साफ साफ जो है वो बात करने लगे हैं। तो जहाँ ये प्रोटेस्ट है वहाँ से जो चुनाव आयोग का दफ्तर है वो मुश्किल से 100 गज की दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर है और वहाँ ईवीएम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। आपको बताया मैंने, जो भानु प्रसाद हैं वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को कॉल किया है और हो सकता है बकायदा इसके लिए परमिशन ली गई होगी। और इसको जो प्रोफेसर रतन लाल हैं, सूरज मंडल हैं, इन तमाम लोग की टीम ने इसको समर्थन किया है, इस प्रोटेस्ट का। तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इस आंदोलन को समर्थन मिलते हैं। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जो है RJSP ईवीएम के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन, भानु प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को कॉल किया है कल 13 जून 2019 समय प्रातः 10 बजे, स्थान जंतर मंतर, नई दिल्ली। उधर लीडरशिप भी, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, इन तमाम लोगों ने जो है वो ईवीएम के खिलाफ जो है वो लगातार बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं इस प्रदर्शन में शामिल होना तो आप कल जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। जंतर मंतर पर आने का मेट्रो रूट जो है वो आप पटेल चौक उतर सकते हैं, स्टेशन या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन पटेल चौक से आगे आप बढ़ के इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहा था कि किस तरह से लगातार लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। तो ईवीएम पर आपकी क्या राय है ये जरूर बताइए। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और जिस तरह से लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये खबरें आपको मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगी, ये खबर जो है आपको इसी तरह से सोशल मीडिया में ही मिलेंगी जहाँ से आपको बात करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार फिर से बता दूँ आप लोगों को कि कल ईवीएम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ से चुनाव आयोग के दफ्तर की दूरी मुश्किल से 100 गज की दूरी पर है और भानु प्रसाद ने इसको कॉल किया है, संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने इसको अपना समर्थन दिया है। तो आपको भी लगता है कि अगर आप ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप वहां जमा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार ईवीएम के खिलाफ जो है वो देश में प्रदर्शन हो रहा है। बाम मिश्राम जो है बामसुद के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति प्रदर्शन कर रही है, मायावती ने सवाल खड़े किए हैं, ममता बनर्जी ने सवाल किए हैं, बाबूलाल मरांडी जो हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद शरद पवार ने सवाल खड़े किए हैं। तो इस तरह से ईवीएम को लेकर जो है वो लगातार जो है गुस्सा जो है लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो आप इस तरह से कल दिल्ली में जंतर मंतर पर ईवीएम में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। कल सुबह 10 बजे से इस प्रोटेस्ट को कॉल किया गया है, जो दिल्ली देश की राजधानी है वहाँ जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो चुनाव नतीजे के बाद लगातार ईवीएम के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि चुनाव आयोग पर जो है वो लोग ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में लग रही है।
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।